तो आपने थंबनेल से देख ही लिया हुआ कि दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ टू मेक योर आईज लुक लार्जर। सो फर्स्ट वी आर यूजिंग दिस मॉइस्चराइजर विच इज़ फ्रॉम मामा अर्थ। इट इज़ टोटली अ ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इससे मैं अपने फेस को अच्छे से मसाज कर रही हूँ जिससे मेरा फाउंडेशन है वो बिल्कुल फ्लॉलेस लगे। देन आई एम यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम निक्स। दिस हैज़ कंसीलर, कॉन्टोर एंड हाईलाइट। आप कोई भी और कंसीलर यूज कर सकते हैं। इससे आपको क्या करना है, बस अपनी आईब्रोज को डिफाइन करना है और अच्छे से। फिर मैं थोड़ा सा और अमाउंट लेके आई एम जस्ट शेपिंग माई आईब्रोज। फिर स्पॉन्ज की हेल्प से आपको बस इसे ब्लेंड करना है ताकि आप अपना आई शेडो अच्छे से लगा पाए। देन आई एम यूजिंग दिस पिंक पाउडर विच इज़ फ्रॉम ओरिफ्लेम। नाउ यूजिंग दिस मेबलिन आईब्रो पेंसिल टू शेप माय आईब्रोज। आपको ज़्यादा फिल नहीं करना, जैसा कि आप देख रहे हो आई एम यूजिंग अ वेरी लेस। नाउ यूजिंग दिस पैलेट फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल पैलेट है जो आपकी वैनिटी में होनी चाहिए इफ़ यू आर अ मेकअप बिगिनर। ये ब्राउन, लाइट ब्राउन शेड लेके आई एम पुटिंग इट ऑन माई लिड्स। देन आई एम यूजिंग दिस शेड फॉर माई लिड। ये बिल्कुल लोअर लिड पे लगाना है आपको। यूजिंग दिस डार्कर शेड आपको ध्यान रखना है कि आपको लाइट शेड से स्टार्ट करना है एंड देन यू कैन बिल्ड इट अप। डूइंग द सेम फॉर द अदर आई। नाउ आई एम यूजिंग दिस अनदर पैलेट फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। ये मेरी फेवरेट पैलेट है। गैस जैसे कि मैंने बोला यू कैन बेसिकली स्टार्ट विद लाइटर शेड्स। अगर आपको इतना डार्क मेकअप पसंद नहीं है तो यू कैन स्टॉप व्हेन आई यूज द ब्राउन शेड इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस डार्कर। इसे ब्लेंड करना है। Using the dark brown shade for the lower lashes. इसके लिए आपको बहुत ही पतला ब्रश यूज़ करना है। Now using this shade for blending ताकि कोई harsh line ना दिखे आपकी makeup करने के बाद। गाइज यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लीन ब्रश का यूज़ करना है जिसमें कि बिल्कुल भी प्रोडक्ट ना हो। देन आई एम यूजिंग द कंसीलर फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। ये मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ कर रही हूँ फॉर मेकिंग द कट क्रीज। ये कट क्रीज है जिससे योर आईज लुक लार्जर। बस आपको अपनी आईज का शेप फॉलो करना है। अभी आप देख सकते हैं दैट इट इज़ ऑलरेडी लुकिंग सो प्रिटी। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं बट टुडे वी हैव टू यूज ग्लिटर सो आई विल बी यूजिंग। नाउ आई एम सेटिंग इट विद अ वाइट मैट शेड फ्रॉम माय मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट।
गाइस आई एम यूजिंग दिस वेरी ब्यूटीफुल गोल्डन आई शेडो फ्रॉम माय वेट एंड वाइल्ड आई शेडो पैलेट. ओह माय गॉड, कैन यू सी द पिगमेंट? यूजिंग दिस ब्राउन शेड जिससे कि मेरा शेडो और भी ज़्यादा ब्लेंडेड लगे. नाउ आई एम यूजिंग दिस बीबी क्रीम फ्रॉम पॉन्ड्स. गाइस किसको लगता है कि बीबी क्रीम कवरेज नहीं देती? जस्ट लुक एट दिस फ्लॉलेस बेस इट क्रिएट्स. स्पॉन्ज से आप ब्लेंड कर सकते हैं. सेटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अब मैं सेट कर रही हूँ इसे सेटिंग पाउडर से. अगेन आई एम यूजिंग दिस आई शेडो पैलेट विच आई ऑर्डर फ्रॉम Amazon. आप कोई भी और ब्रांड का ब्लश यूज़ कर सकते हैं, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ब्लशेज आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्किन टोन्स. Also, do remember one thing that अगर आपका blush कभी ज़्यादा हो जाता है तो you don't have to panic. Just grab your setting powder और उससे आप light कर सकते हो अपने blush को. Okay, so for highlighting, I'll be using this product which is a liquid highlighter from Wet n Wild. Guys, I don't remember the shade, but I'll mention it in the description box below. इसे finger से blend करना ज़्यादा अच्छा है. You can always blend it with sponge, but I prefer finger blending. ये काफ़ी अच्छे से blend हो जाता है जैसा कि आप देख सकते हो, और ये बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता स्किन पे. आई एम यूजिंग द मस्कारा फ्रॉम मेबेलिन. नाउ यूजिंग द लैशेज. गाइज रिमेंबर लैशेज ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आई नो बहुतों को प्रॉब्लम होती है लैशेज लगाने में. नाउ आई एम यूजिंग द शेड फ्रॉम मिनीसो. मुझे पता है मिनीसो की लिपस्टिक्स अच्छी नहीं होती, बट दिस वन इज़ रियली गुड. आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर मुझे लिंक मिलता है. दिस इज़ माई फाइनल लुक विच आई क्रिएटेड. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.